अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आज हम लोग बनाए हैं मुगलाई चिकन हांडी। तो चलिए चल के स्टार्ट करते हैं। मैंने ले ली है चिकन और उसमें मैंने डाल दिया है सॉल्ट और ब्लैक पेपर। इसको मैंने मैरिनेट करके रख दिया है तकरीबन ऑलमोस्ट 15 मिनट्स। और इसके बाद क्या किया वो दिखाती हूँ। यहाँ पर मैंने एक प्याज ले ली है छोटी वाली और दो टमाटर ले ली हैं। और इसको अब मैं जो है पहले प्याज डाल के फ्राई करती हूँ। उसके बाद जब लाइट ब्राउन हो जाएगी प्याज, उसके बाद क्या करते हैं फर्दर आई विल अपडेट यू। अच्छा जी, तो प्याज अब लाइट ब्राउन सी हो गई है। नाउ आई एम गोइंग टू ऐड जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट इनटू इट। ये मैं लूँगी तकरीबन 1.5 टेबल स्पून, ठीक है। अच्छा जी, तो ये है वो स्पाइसेस जो मैं इसके अंदर अब ऐड करने लगी हूँ। ये है सॉल्ट, रेड चिली पेपर और ज़ीरा पाउडर, और यहाँ पर मेरे पास है हल्दी, ठीक है। ये 4 मसाले मैं ऐड कर रही हूँ। अच्छा, वन मोर मैं करूँगी गरम मसाला, लेकिन वो मैं थोड़े बाद में करूँगी। अच्छा जी, तो आफ्टर एडिंग ऑल द स्पाइसेस मैंने इसके अंदर चिकन डाल दी है और अब मैं इसको फ्राई करूँगी अंटिल चिकन जो है वो हल्की फुल्की ब्राउन ही हो जाती है। आप लोग देख सकते हैं कि चिकन जो है अच्छे से पक रही है। अब मैं इसके अंदर टमाटर को ऐड कर रही हूँ। तो टमाटर के बाद मैंने इसके अंदर योगर्ट भी ऐड कर दी है, और योगर्ट डालने के बाद मैंने इसको अच्छी तरीके से हिला दिया। उसके बाद नाउ जो है मैंने हरी मिर्चें डाली हैं, और अब मैं इसको बहुत ही लो फ्लेम में पकने के लिए छोड़ दूंगी अंटिल कि मेरा चिकन पूरी तरह गल नहीं जाता। और थोड़ा सा मैंने इसके अंदर पानी बिल्कुल नहीं ऐड किया। इफ़ यू गाइस वांट यू कैन ऐड, बट मुझे नहीं पसंद पानी ऐड करना। सो उसके बाद जो है अब मैं इसको कवर करके लो आंच पर रख देती हूँ। उसके बाद इट विल गेट रेडी, विल शो यू गाइस जब ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा। आई होप यू गाइज इन्जॉयड माई टुडेज व्लॉग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट व्लॉग। बाय।